BHK का मकान है, रेडी टू मूव है, बैंक लोन हो जाएगा, नगर निगम का एरिया है, सामने की 22 फीट की रोड है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है यहाँ पर, फैमिलीज क्वारंटाइन में रहती हैं। तो ये सब चीज़ें इसकी विशेषता है हमारी कॉलोनी की, टोटल गेटेड कॉलोनी है। तो बहुत सारे मकान हमारे बने हैं, अप्रॉक्स मान कर चलिए कि 25 से 30 मकान की गेटेड कॉलोनी है, जिसमें कि चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, पूरा कंप्लीट सेट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज मैं आपको लेके आ गया हूं कुर्सी रोड पे, और कुर्सी रोड पे मैं आपको सारे ये मकान दिखाने जा रहा हूं, जो कि सारे के सारे गेटेड कॉलोनी के अंदर है। बहुत ही अच्छी सोसाइटी है जिसमें कि बहुत ही सारे मकान बने हुए हैं, लगभग मान के चलिए कि 25 से 30 मकान की कॉलोनी में ये आपको सारे मकान मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया गेटेड कॉलोनी है। अगर हम सामने रोड की बात करते हैं तो ये 22 फीट का फ्रंट है, और इसमें अगर हम साइज़ की बात करते हैं कौन कौन से मकान के साइज मिल जाएंगे, तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि इसमें आपको 1000 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा, 1150 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा, और 1200 स्क्वायर फीट का साइज में आपको मकान मिल जाएंगे। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं लोकेशन कि ये जो कॉलोनी है कुर्सी रोड पे लखनऊ में, आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आपने कुर्सी रोड पे देखा हो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से पहले लगभग 2 किलोमीटर पहले ये आपकी कॉलोनी बसी है, और एरिया का नाम कहलाता है बसहा। अगर यूनानी हॉस्पिटल अगर आपने देखा हो तो उससे जस्ट पहले उसी मेन रोड पे पेट्रोल टंकी के जस्ट बगल से रास्ता आता है, और उसी के जस्ट बगल में ही ये सारे आपके मकान स्थित है। चलिए चलते हैं मकान के अंदर, और जो काफ़ी अच्छे मकान बने हुए जो बैक साइड में भी आप देख रहे हैं, ये हम आपको डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल में समझाते हैं आपको मकान के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये सारे मकान देख पा रहे होंगे, ये पूरी कॉलोनी कंप्लीट डेवलप है, और यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज रह रही हैं। सबसे पहले कॉलोनी के अंदर हमेशा आप देखिए डेवलपमेंट के तौर पर रोड बनी है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, फैमिली रहती हैं कि नहीं, ये तीनों चीज़ें हमारी इस कॉलोनी में उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं फैमिलीज रहती हैं कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ आपके परिवार सारे आ चुके हैं रहने के लिए, जिसमें कि एक फैमिली ये रहती है, और अगर आप उस साइड में देखेंगे तो 3 मकान में फैमिली शिफ्ट हो चुकी है, वर्तमान समय में फैमिली रह रही है। अगर हम लाइट की बात करते हैं तो कनेक्शन आप देख सकते हैं, लाइट का सारा लगा हुआ है, सामने देखेंगे तो आपको मीटर भी मिल जाएगा, स्ट्रीट लाइट भी इसमें सारी लगी हुई हैं। तो इसमें हमारे सारे मकान मोस्टली सोल्ड आउट हो चुके हैं, कुछ ही इसमें यूनिट्स हमारी अवेलेबल है। अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो ये हमारे जो 3 यूनिट अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे 3 यूनिट है 1150 स्क्वायर फीट के, यानी कि जो फ्रंट की अगर हम बात करते हैं मकान की, तो 20 फीट का फ्रंट है और 57.5 का इसका डेप्थ है मकान का। काफ़ी अच्छी लोकेशन में ये आपको सारे मकान मिल जाते हैं। तो चलते हैं मकान के अंदर, और ये जो 1150 स्क्वायर फीट का मकान आप देख रहे हैं, इसको हम समझाते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं, ये जो मकान अभी आपके अवेलेबल दिख रहे हैं, ये आपके 1000 स्क्वायर फीट का मकान है 20x50 का। अगर सामने की हम रोड की बात करते हैं, ये जो सामने आपकी रोड बनी है RCC, ये आपकी 22 फीट की रोड है। एरिया टोटल आपका नगर निगम में आता है, तो आप ले के मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं, रह सकते हैं तुरंत, उसमें कोई समस्या नहीं है। सारी फैमिलीज आसपास में शिफ्ट हो चुकी हैं और यहाँ पर रहती है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को अपने और एक्सप्लोर करते हैं, और 1150 स्क्वायर फीट के इस मकान को हम आपको दिखाते हैं। तो बहुत ही सुंदर मकान बना है, आपके बजट के अंदर मकान मिलेगा आपको, रेट की अभी हम थोड़ी देर में इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, जो ये मकान आपको दिख रहा है, इसका जो फ्रंट है 20 का फ्रंट है। तो अब हम चलते हैं अंदर मकान के, और दिखाते हैं यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप एंट्री करते हैं, सबसे पहले आपको मिल जाता है पोर्च स्पेस, जिसमें कि आप
कार पार्किंग खड़ी करते हैं, जिसमें आप अपनी कार को यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्पेस यहाँ पर मिल जाता है आपको, सारी कार आप खड़ी कर सकते हैं। आपकी फोर व्हीलर है, अच्छी से अच्छी आराम से फोर व्हीलर यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो लोहे का आपको गेट ये मिल जाता है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि जितने आप मकान देख रहे हैं, मकान के अंदर जो समरसेबल होता है वो सेपरेट, हर एक मकान में इंडिविजुअल समरसेबल की लाइन बिछाई हुई है, यानी कि समरसेबल की जो बोरिंग है हर एक मकान में इंडिविजुअल खुद की है, यानी कि जितने भी हमारे मकान हैं उतनी हमारी समरसेबल लगे हुए हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारा लॉन का स्पेस हो गया जो आप देख रहे हैं, ये आपका टोटल पोर्च हो गया। और अगर आप एंट्री करेंगे तो एंट्री के आपके दरवाजे दो मिल जाएंगे, एक ये एंट्री है जो कि सीधे किचन के तरफ जाती है, और ये आपकी एंट्री जो है आपकी ड्राइंग रूम में एंट्री होती है सीधे सीधे। तो इस एंट्री में से हम इस एंट्री से चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा आपका ड्राइंग रूम का, बहुत ही सुंदर स्पेस है ड्राइंग रूम का जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और इसी तरह से आप एंट्री और करेंगे तो आपको किचन भी मिल जाएगा, लॉबी भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप अगर देख रहे हैं ये आपका बन जाता है ड्राइंग रूम, ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्पेस में ड्राइंग रूम आपका बना हुआ है। पूरी आपकी विंडो दी हुई है यहाँ पर, जिसमें कि विंडो से आपका वेंटिलेशन आराम से पास हो जाएगा। एंट्रेंस के लिए दरवाज़ा आपका यहाँ पर हो गया सीधा, और उसके बाद में जैसे ही आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही किचन मिल जाएगा। ये देखिए किचन आप देख सकते हैं, पूरी स्लेब पड़ी हुई है, और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है, तो इसका जो वेंटिलेशन है आराम से आपका हो जाएगा। और एंट्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एंट्रेंस के लिए आपको दरवाज़ा मिल जाता है, एक डोर आपको ये मिलता है, सेकंड डोर आपको मिल जाता है जालीदार, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं। और यहीं से अगर आप ऊपर जाएंगे तो स्टेयर से आप सीधे जा सकते हैं, स्टील की रेलिंग आपकी रहती है लगी हुई है इसमें वर्तमान समय में। और चलिए चलते हम थोड़ा सा और अंदर, और जब अपने और मकान के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक लॉबी टाइप का स्पेस मिल जाता है, जिसको कि हम डाइनिंग स्पेस में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छे स्पेस का इसको इस्तेमाल किया गया, यूटिलाइज़ किया गया है। इसी के बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है टॉयलेट, जो कि इंडियन टॉयलेट है और काफ़ी अच्छे स्पेस से इसको बनाया गया है। और यहीं पर आपका हैंड वॉश करने के लिए यहाँ पर आपका हैंड वॉश भी लग जाएगा। इसके जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है OTS, OTS से कनेक्टेड आपकी सारी विंडोज़ हैं, जिसमें कि वेंटिलेशन के लिए आपको समस्या ना हो। और इसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये आपको मिल जाता है रूम बहुत ही बढ़िया है, स्पेशियस रूम है आपका, ये देखिए सारे। और इसी रूम में वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो मिल जाती है, ये आपका दरवाज़ा हो जाता है, ये स्पेस आपका पूरा हो गया कंप्लीट बढ़िया सा। एक बेडरूम और आपको मिलता है यहाँ पर, ये देखिए इस टाइप से। और इसके जस्ट बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक लॉन टाइप का मिल जाता है, एज इसको आप स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं अपने लिए वेंटिलेशन के लिए। और इसका स्विच, इस सब चीज़ें इसमें कंप्लीट लगी हुई हैं। इसके आप बैक साइड में देखेंगे, एक तो ऊपर हो गया आपका OTS जो कि आंगन है, शेड ऊपर कंप्लीट किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको वेस्टर्न टॉयलेट यहाँ पर मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा मकान बना हुआ है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, वर्तमान समय में रेडी टू मूव कंडीशन है, बैंक लोन हो जाएगा, नगर निगम का एरिया है। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए, सीधी चीज़ रहने वाली है कि आप अगर लेके इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तुरंत इसमें आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मकान बना हुआ है, ये देखिए। तो जैसा कि देखिए अभी आप मकान देख रहे थे,
ये हमारी प्रॉपर्टी की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 1150 स्क्वायर फीट का साइज है, प्लॉटेड एरिया है। और अगर हम इसकी कवर्ड एरिया की बात करते हैं तो कवर्ड एरिया अप्रॉक्स मान के चलिए कि 1200 से लेके 1250 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है। 2 BHK का मकान है, रेडी टू मूव है, बैंक लोन हो जाएगा, नगर निगम का एरिया है, सामने की 22 फीट की रोड है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है यहाँ पर, फैमिलीज करंट टाइम में रहती हैं। तो ये सब चीज़ें इसकी विशेषता है हमारी कॉलोनी की, टोटल गेटेड कॉलोनी है। तो बहुत सारे मकान हमारे बने हैं, अप्रॉक्स मान कर चलिए कि 25 से 30 मकान की गेटेड कॉलोनी है, जिसमें कि चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, पूरा कंप्लीट सेट है। तो आप इसको लेना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं ऊपर, और ऊपर से भी हम आपको कॉलोनी को दिखाते हैं। तो ये सारा भी देख रहे था आपने, जो नीचे का देखा पूरा कंप्लीट, अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर, और ऊपर से भी आपको हम थोड़ा सा कॉलोनी को दिखाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से आप जब चढ़ेंगे तो ये तो पूरा आपका स्टेयर्स हो गया कंप्लीट, और स्टेयर्स के बाद में जैसे ही आप चढ़ेंगे, अभी स्टील की रेलिंग जस्ट लगी है, कंप्लीट हुई है, ये हमारी कॉलोनी होगी। देखिए ये सारी पूरा देखिए गेट लगा हुआ है, गेट उस साइड में लगा है लास्ट में, और ये पूरा हमारे कॉलोनी के सारे मकान हो गए। टंकी आप देख सकते हैं, 500 लीटर की टंकी है, ये पूरी आपकी सराउंडिंग है फैमिलीज की, जो जो कि फैमिलीज रहती है सारा आसपास का, बहुत ही अच्छा एरिया है। फैमिली यहाँ पर ऑलरेडी आपकी शिफ्ट हो चुकी हैं, तो फैमिली सब रहना स्टार्ट कर गया है।